ये क्या है? ये एक केमिकल बर्न। तुम्हें इतना दर्द होगा जितना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये तुम क्या कर रहे हो? कैंसर के लिए गाइडेड मेडिटेशन काम कर सकता है, तो इसके लिए भी। घर के साथ रहो, इसे बंद मत करो। अपना हाथ तो देखो, पहला साबुन। और ये दर्द तो तुम्हें होगा ही, दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। बगैर कुर्बानी के कोई चीज हासिल नहीं होती है। मैं कुछ देर के लिए सोचने पड़ गया। ये तुम्हारा दर्द है, ये तुम्हारा जलता हुआ हाथ है। गुफा में जाऊंगा, पावर एनिमल को ढूंढूंगा। नहीं, इससे वैसे मत निपटो जैसे मरने वाले लोग निपटते हैं। कम ऑन, ठीक है, प्लीज। तुम महसूस कर रहे हो प्रीमैच्योर एनलाइटनमेंट। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है और तुम इसे मिस कर रहे हो। उसे मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे मिस नहीं कर रहा हूँ। चुप रहो। हमारे पिता आदर्श इंसान थे, अगर हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए तो इससे तुम कैसी राय बनाओगे? पता नहीं मुझे। मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि शायद ऊपर वाला तुम्हें पसंद नहीं करता, उसे तुम कभी पसंद नहीं थे। हो सकता है उसे तुमसे नफरत हो, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता था। अच्छा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सहमत हूँ, मेरे पास वो सारी जगह गई बाहर में। हम ऊपर वाले की अनचाही औलाद है, तो यही नहीं। मैं पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ मैं। सुनो, अपने हाथ पर पानी डालने से घाव और बढ़ जाएगा। ये देखो, घाव को शांत करने के लिए विनेगर इस्तेमाल कर सकते हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। पहले तुम्हें हार माननी होगी, डर को भगाना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि किसी दिन तुम मरने वाले हो। तुम नहीं जानते कैसे महसूस होता है। जब हम सब कुछ खो देते हैं तब कुछ भी करने को आजाद होते हैं। ठीक है, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, तुम इम्तिहान में पास हो गए।